हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंत जैन। आज हम बात करने वाले हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में, और इनका जो रिजल्ट्स है वो आ चुका है, और इन्होंने बोनस इशू करने का भी कहा है। 1:1 एक शेयर के ऊपर एक शेयर मिलेगा, और 29 रुपीज का जो है डिविडेंड ये भी इशू किया है। तो आज इसी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो आप ये देख सकते हैं, TCS का जो स्टॉक है आज काफी अच्छा बड़ा, लगभग 6% जो है राइज हुआ है, 200 रुपए के करीब ये बड़ा है, 3,397 के करीब। और अगर आपके पास ये जो स्टॉक है तो आप होल्ड करिए, ये जो रेट है और बढ़ सकता है, 3,500 तक जा सकता है इजिली। और जो बोनस इशू किया गया है वो एक के ऊपर एक मिलने वाला है। अगर आपके पास 10 शेयर है तो 10 शेयर एक्स्ट्रा आपको मिलने वाले हैं। तो इसका आप चार्ट भी देख लीजिए, एक साल में ये काफी अच्छा मींस ग्रो किया है, लगभग 2200-2300 के करीब ये चलता था और आज जो है 3300 के करीब चल रहा है। और इसका जो अभी बोनस इशू और डिविडेंड का कहा है उसी के चलते ये जो स्टॉक है और ग्रो कर सकता है, 3,500-3,600 के करीब जा सकता है। और अगर आपके पास है तो आप जून जुलाई तक ये स्टॉक होल्ड करके रखिए, क्योंकि जो इनका जो बोनस का देने वाले हैं वो लगभग जून और जुलाई के बीच में देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 6,50,000 करोड़ के करीब है, और काफी मींस बेहतर आईटी कंपनी है, इंडिया की टॉप 5 में ये कंपनी मानी जाती है। और इनकी जो नेट सेल्स है आप देख सकते हैं 25,570, और लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो काफी अच्छा बड़ा है, 600-700 करोड़ का मुनाफा ज्यादा हुआ है पिछले क्वार्टर से। तो ग्रोथ काफी अच्छी रहने वाली है 2018-19 में भी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो तो ये काफी अच्छा स्टॉक लगता है। और अगर आपके पास है तो मेरा तो यही मानना है कि आप इस स्टॉक को बेचिए मत। और इसका जो डेप्थ है काफी कम है, 244 करोड़ का है, और असेट्स आप देख लीजिए लगभग 78 करोड़ 266 की है। तो काफी मींस बढ़िया स्टॉक है, अगर आपके पास है तो आप पकड़ के रखिए, और अगर आपको बेचना भी है तो बोनस इशू होने के बाद ही आप मेरे हिसाब से बेचिए। और बोनस इशू की पूरी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। आप देख सकते हैं TCS ने ये एक रिजोल्यूशन पास किया था बोर्ड ऑफ मीटिंग में, तो इसमें लिखा है इशू ऑफ बोनस शेयर्स ऑफ इक्विटी, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इट्स मीटिंग हेल्ड टुडे हैज रिकमेंड बोनस इशू ऑफ इन द रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर ऑफ 1 ईच फॉर 1 every equity share ईच हेल्ड, मीन एक के ऊपर एक। और जो इनका रिकॉर्ड डेट है लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पे दिया है तो विदिन 2 मंथ्स, अब जो आज कल इन्होंने बोनस इशू का कहा है, विदिन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड अप्रूवल, बोर्ड का जो अप्रूवल कल हुआ था उसके बाद 2 महीने के अंदर लगभग आप देख सकते हैं जून 2018 या उससे पहले भी आपको ये जो है बोनस शेयर्स मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास ये स्टॉक है और अगर आपने लिए हैं हाल ही में तो भी आप होल्ड करिए, क्योंकि आपको बोनस इशू मिलने वाला है। और जो डिविडेंड है आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, 29 रुपीज का जो है डिविडेंड आपको मिलने वाला है, फाइनल डिविडेंड। तो आप ये देख सकते हैं द डायरेक्टर्स हैज रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹29 पर इक्विटी शेयर, मींस डिविडेंड भी मिल रही है, बोनस इशू भी हो रहा है, और काफी बढ़िया स्टॉक लगता है। तो मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बढ़िया स्टॉक है अगर आपके पोर्टफोलियो में हो तो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है और आगे जाके भी ग्रो करेगी, काफी अच्छा रिटर्न आपको दे सकती है। तो आज मुझे इसी के बारे में बताना था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए, थैंक यू।